अमित शाह भी देखे दौरे पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 1000 मंदिर ऐसे हैं जो कि बड़ी खस्ता हालत में हैं या उस वक्त फंक्शनल भी नहीं है, तो उनको हमने ठीक करना है, उनको उन पे खर्च करना है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, 1000 मंदिर। जिस किस्म की पागलपन में इंडिया में देख रहा हूँ, जिस किस्म का दीवानापन और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एंड इनकी जो वेपन एक्विजिशन एंड ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के साथ ये कर रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है कि किसी भी वक्त अखंड भारत के लिए पाकिस्तान पर इन्वेजन कर देंगे। जो बीजेपी की हुकूमत है बार बार हमें याद दिलाती है कि जो तारीखी एतबार से जम्मू और कश्मीर जो है ये कोई मुसलमानों का इलाका नहीं था, तो हमसे पंगा नहीं लो, एक दफा हमारे घरों पर जंग आ गई फिर हम इसी तरह लड़ेंगे जैसे हमास के मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। हमें जान देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जिंदा रहे तो गाजी, मारे गए तो शहीद, दोनों सूरतों में हमारे लिए इज्जत है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों हिंदुस्तान के जो भी करंट गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, वो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस जो है वो डिसाइड हो चुके हैं, डेज डिसाइड हो चुकी है और इलेक्शंस के बाद पूरा एज ए स्टेट वो रिस्टोर्ड हो जाएगा 370 हटने के बाद। तो दोस्तों वहाँ पर हर पार्टी जो है अपना मैनिफेस्टो, अपने वादे, अपनी रैलियाँ, अपना प्रचार शुरू कर रही है, वैसा ही बीजेपी भी कर रही है दोस्तों। तो क्या हुआ है कि वहाँ पर अमित शाह जी गए हुए हैं और उन्होंने जो है वो अपने जो बीजेपी का उनका अपना वादा है उसको दोहराया कि यहाँ पर हम नॉर्मल सी ले आएंगे और कश्मीर को एक अच्छा राज्य बनाएंगे, कश्मीर के लोगों को तरह तरह के फैसिलिटीज़ देंगे। तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों अब पाकिस्तान को नागवारा गुजर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर में अनरेस्ट बना रहे, ऐसे ही हमले होते रहें, लोग मरते रहें, तो उनको एक तरह से मज़ा आ रहा था इसमें। तो अब दोस्तों इस पर अब्दुल बासित या उनकी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रिएक्ट कर रही है, आइए देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है इस पर। पाकिस्तान में ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक लिबरल सेकुलर बेगैरत तबका है जो तूफान बरपा करने लगता है कि आप एक वॉर मॉन्गर हैं, आप भारत के साथ जंग करना चाहते हैं, आप पाकिस्तानी कौम को मरवा देंगे, अमन की बात करें, अमन की आशा की बात करें। ये वो सारा बेगैरत लिबरल तबका जो सारी जिंदगी नस्ल दर नस्ल हिंदुओं के गुलाम रहे हैं, ये लोग कभी भी पाकिस्तानी कौम को उस खतरे से आगाह नहीं करेंगे कि जो अखंड भारत की आइडियोलॉजी इस पूरे खत्ते के लिए खतरा बन चुकी है। तो एक लिहाज से ये मामला जो हिंदू ही बताना मैं चाहते हैं कि ये 14वीं सदी से पहले तो ये इलाका सारा हिंदुओं को ही था, यहाँ पे 1000 मंदिर थे इससे पहले, तो ये मुसलमानों के आने के बाद जो हिंदूइज्म जो यहाँ पे होना चाहिए था या जो हिंदुओं की मेजॉरिटी यहाँ पे होनी चाहिए थी वो सारा मामला ख़राब हो गया और हिंदुओं से ये इलाका मुसलमान अक्सरियत इलाका बन गया। तो ये एक तरह से अगर आप देखिए ना तो जो हिंदुत्व की फिलॉसफी है बिल्कुल उसी का मजहब है, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो डेमोग्राफिक चेंजेस तो वैसे ही वो कर रहे हैं, 35A को हटाकर जो डोमिसाइल 40 लाख के करीब इन्होंने भारतीय शहरियों को डोमिसाइल दिए हैं और अभी जो सो कॉल्ड वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए थे बजाय इससे कि उनको पंजाब में वो सेटल करते उनको भी जम्मू लेकर जा रहे हैं ताकि आबादी का तनासुब जो है ना वो तब्दील हो। उसके बाद हमने देखा कि जो मोदी सरकार है उसने मकबूजा कश्मीर के अंदर कई इकदाम ऐसे उठाए जहाँ एक तरफ जो बैरूनी सरमायाकारी है वो लाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे इकदाम लिए कि जो मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफिक जो डायनामिक्स हैं उनको भी बदला जाए, यानी कि वहाँ पर अगर मुस्लिम अक्सरियत में है तो उनको अकलियत में बदला जाए। फिर इसी तरह से कई ऐसी जमातें जिन पर ये इल्ज़ाम आयद करके कि वो जो अस्करियत पसंद हैं उनको सपोर्ट करती है उनको बैन कर दिया गया, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल गया। और फिर हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो पुरतशद्दुद वाक़यात पहले हुआ करते थे उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली, लेकिन वो अलग बात है कि हालिया चंद महीनों में जम्मू के इलाके में जिसे कहा जाता है कि आम तौर पर वो ज़्यादा पुरअमन रहा माजी के अंदर भी और वहाँ पर जो अक्सरियत है वो हिंदुओं की है, तो वहाँ पर हमने देखा कि हालिया महीनों के अंदर कई ऐसे वाक़यात हुए जिसमें तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो भारतीय सिक्योरिटी एहलकार हैं वो मारे गए और इंतखाबात वो लड़ने जा रहे हैं। तो उनकी कोशिश यही है
कि जो कश्मीर के अंदर वैली के अंदर जो पार्टियां हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की, या कांग्रेस पार्टी हो फॉर दैट मैटर, वो सारी तकसीम हो जाएं और वहाँ पे एक फ्रेगमेंटेड मैंडेट हो, जबकि बीजेपी में जो 23 जो जम्मू में जो 43 सीटें हैं, 90 सीटों में इंतखाबात हो रहे हैं, 43 सीटें जो जम्मू में हो तमाम की तमाम बीजेपी ले जाए। जैसा मैंने पहले भी हमने शो में डिस्कस किया था कि यहाँ से वो एक करारदाद पास करवाना चाहते हैं कि जो तब्दीलियाँ तरामीम उन्होंने की थी 370 को, उनको एक लिहाज से एंडोर्स करवाना चाहते हैं जम्मू और कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की असम्बली से। अब इस बीच जो भी सारी डेवलपमेंट्स हुई, एक तरफ जो भारत है वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर इसी महीने मकबूजा कश्मीर में पहली मर्तबा 10 साल के बाद वहाँ पर असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं। ये इंतखाबात 3 मरहलों पर मुश्तमिल होंगे। पहला मरहला जो है उसका वो 18 सितंबर को पोलिंग होगी, दूसरे में 25 सितंबर को, और फिर जो आखिरी और तीसरा मरहला है वो 1 अक्टूबर को वहाँ पर पोलिंग होगी, और जो हतमी नतायज हैं वो 8 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। 90 कुल सीटें हैं जो मकबूजा कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं। आखिरी मरतबा 2014 में वहाँ पर इंतखाबात हुए थे, और उसके बाद फिर जो कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की गई थी, तो जो स्टेटहुड है यानी कि जो उसकी खसूसी हैसियत थी, जो रियासती हैसियत थी, उसको ख़त्म करके बराह रास्त दिल्ली ने मकबूजा कश्मीर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद से वहाँ पर कोई मकामी हुकूमत नहीं थी। अब वहाँ पर जो इंतखाबात हो रहे हैं, और इन इंतखाबात के अंदर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स उसकी ख्वाहिश है कि वो इन इंतखाबात को जीते और जो अगला चीफ मिनिस्टर हो वो उन्हीं की जमात की तरफ से। अब ये होता है नहीं होता है, वी डू नॉट नो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये मिलकर इंतखाबात लड़ रही हैं। सही। अब ये किस हद तक कामयाब होती हैं, दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो एक दूसरी पार्टी है जो अननोन सी है, तो सवाल यही है कि जो मेरी नज़र में ये इंतखाबात ही कोई हैसियत या अहमियत नहीं है हमारे नुक्ता नज़र से। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के लोग इंतखाबात लड़ रहे हैं, ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि कोई सब्स्टिट्यूट है प्लेबिसिट का, वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और गुस्सा किस चीज़ पे है? गुस्सा इस चीज़ पे है कि जी आपने क्यों हमारा स्पेशल स्टेटस लिया, हमें हक खुदराज़दत आप क्यों नहीं दे रहे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है, कहां से आते हैं ऐसे लोग, ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं, कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।